हम निकल गए 2 किलोमीटर, 2 में ही हालत, 1 किलोमीटर रह गया ऑलमोस्ट। नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज जैसा कि आप देखने वाले हो मैराथन आज के ब्लॉग में, मतलब तो ये है अ डे बिफोर मैराथन। तो हम आपको प्रेपरेशंस वगैरह दिखाते हैं कि 1-2 दिन पहले से इनकी कितनी तैयारी शुरू हो जाती है, और ये पूरे साल में 1 या 2 बार ही होती है, मतलब बोत्सवाना की बड़ी वाली मैराथन, और जिसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं निर्भय के डैड भी एंड ऑफकोर्स निर्भय भी, जैसा कि हमने आपको लास्ट ब्लॉग में भी बताया था। और बस अभी थोड़ी आपको ना तैयारी वगैरह दिखा देते हैं। 10 किलोमीटर निर्भय, कितना? 10 किलोमीटर होने वाली है। Constant तो running. ग्रैंड पाम से शुरू होने वाली है। तो यहाँ पे जो बैरिकेड्स लग गया ना, तो यहाँ पे रोड अभी बिल्कुल ब्लॉक है, फॉलो करना मैराथन वहाँ से। हाँ, नहीं तो ये गाड़ी इधर से आती है, बट ये बंद कर दिया, तो हम यहाँ पे इन्होंने कोन्स लगा दिए, यहाँ से जा रही है, यहाँ से आ रही है। You can see that. Oh, yes. Starting point. Gaborone marathon start 10 kilometer tomorrow morning. I'm very excited. You are very excited for? बहुत बड़े स्केल पर होती है, दूर दूर से लोग आते हैं इसको अटेंड करने के लिए। तो इन्होंने निर्भय से ऐसे ही पूछा आप भी चलोगे, और निर्भय वाज एवर रेडी फॉर द मैराथन। उसके टीचर्स वगैरह भी आते हैं एंजॉय को। आगे अच्छा, तो ये देखो यहाँ 21 किलोमीटर, 21 तो अभी पूरी तैयारियां चल रही है। देखो यहाँ पे अंदर वो पार्टी एरिया, म्यूजिक, आउटसाइड भी, वो सारा वहाँ पर कुछ ना कुछ इवेंट्स रहेंगे। तो पूरी तैयारी शैयारी हो रही है, तो हम आपको रात को व्यू दिखा रहे हैं। और ये VIP सेक्शन रहेगा आई थिंक, क्योंकि बहुत अच्छे से सुंदर से सजाया हुआ है। ये देखो निर्भय तो अंदर भी चला गया, ठंड हो गया फिलहाल, सभी जैकेट्स वगैरह निकल गए हैं। स्टॉल्स मींस बैठने के लिए होगा, खाना पीना होगा। हाँ, बट इस बार वो नहीं हो रहा है कि नहीं, तो एक दिन पहले फुल ऑन म्यूजिक वगैरह शुरू हो जाता था, इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा रौनक रहती थी। हाँ, सुबह तो होने ही वाला है, पर ये बहुत सुंदर। और लोग जो है ना पार्किंग एरिया में, जो दूर दूर से आए होंगे ना फैमिली के साथ, मतलब पीछे बच्चे सो रहे हैं और पेरेंट्स भी मतलब गाड़ी में ही सो रहे हैं, ताकि सुबह वो वहाँ से यहाँ ट्रैवल नहीं कर पाए तो दिक्कत होती है। तो शायद यही वो पार्किंग में गाड़ी लगाई है और यहीं पर सो गए, बहुत सारे फैमिलीज जो ऐसे सो रहे हैं। तो आज है नेक्स्ट डे और 6 बज रहे हैं, और मैं भी रेडी हो गई हूँ। मुझे भी बोले उन्होंने कि नहीं चलो सब चलते हैं, अंकल आंटी भी जाए। तो मतलब मैं ज़्यादा दौड़ने वाली तो नहीं हूँ, वॉकिंग पर 10 किलोमीटर वॉक करना भी बहुत है मेरे लिए। तो बस लेट्स सी कैसा रहता है। और बाहर तो आवाज़ें आपको थोड़ी बैकग्राउंड में शायद आ ही रही होगी, ये चल रही थी सुबह से बहुत पहले से ही। और बस निर्भय के डैड आते हैं, मिलवाते हैं, फिर चलते हैं। निर्भय भी रेडी हो गया है। हेलो गाइस, are you excited? Yes sir. टेन किलोमीटर्स है ना? 10 किलोमीटर्स, yes. और ये जो मैराथन है वो डायमंड कंपनी की तरफ से होते हैं ना, कोई डाइकोर की तरफ से, पीछे बहुत सारी आवाज़ें होती है, एवरी ईयर होती है, बट हम फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें ना। Let's do it. 10 किलोमीटर्स. We first have 42, second is 21. तीन तरह की है? Yes, sir. Okay, तो हम लोग 10 ही करेंगे. मैंने ब्रेकफास्ट की थोड़ी थोड़ी तैयारी कर लिया, लेकिन आटा वाटा गूंद दिया, गोभी मूली जो थोड़ा थोड़ा है तो उसके पराठे बन सकते हैं। आके निर्भय खाएगा पनीर का पराठा। yes. अभी हम लोग जा रहे हैं, निर्भय यू रेडी? जो ये देखो पूरा कितना भरा हुआ, अभी सिर्फ वार्म अप कर रहे हैं सब लोग। गुड मॉर्निंग आंटी, आर यू रेडी? मैं भी जा रही हूँ आंटी, मैं भी जा रही हूँ। तो अभी स्टार्टिंग पॉइंट दिखाएंगे आपको कैसे होने वाला है, इसलिए हम लोग आगे आगे खड़े होकर बाद में ज्वाइन कर लेंगे। तो अभी हो रही है 42 किलोमीटर्स वाली। कभी भी आ रहे हैं, पूरा भरा हुआ है पीछे तक, 10
सारे ड्रोन हैं यहाँ पर अभी मोमेंट कैप्चर करने के लिए। पूरी जो है ना स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ से बस अभी 1 या 2 मिनट लगने वाला है, हम लोग बाद में ज्वाइन करेंगे। देखो सनराइज इस टाइम हो रहा है, कितना सही लग रहा है, मजा आ रहा है। आ रहा है पीछे लोग, पूरी रोड भरी हुई है। हमने कर लिया है 2 किलोमीटर, 2 में ही हालत लग रही है अभी, पीछे अभी आगे भी भरा हुआ है। तो यहाँ पर पानी मिल रहा है, पानी लोगों ने यही फेंक दिया है। तो अभी हम लोग ये फ्लाईओवर है ना, यून सिटी वाला, यून सिटी से पीछे वाला रेनबो वाला, वो क्रॉस कर रहे हैं। तो अभी 3 किलोमीटर्स पूरे हुए हैं, अभी 7 काफ़ी है। हाँ सन देखो अभी ऊपर आ गया, पुलिस वाले हर जगह पर है। इंडियन फ्रेंड्स मिलते जा रहे हैं। पुलिस भी साथ साथ रहती है। साथ साथ सफाई भी चल रही है। म्यूजिक चल रहा है, लोग इंजॉय कर रहे हैं, पानी वानी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। 5 किलोमीटर्स कंप्लीट। अभी देखो सीबीडी एरिया कवर कर रहे हैं, मतलब क्रॉस कर रहे हैं, सीबीडी एरिया क्रॉस कर रहे हैं। तो निर्भय के डैड एंड उनके फ्रेंड्स वो तो अभी फुल ऑन रनिंग कर रहे हैं आगे। मैं और निर्भय थोड़ा सा अभी उसको टायर्ड हल्का सा लग रहा था, हम वॉक कर रहे हैं नॉर्मल वॉक। पीछे बहुत सारे लोग हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी मिल रही है क्योंकि पहुँचने वाले हैं। I'm so loud as the hours pass, we're gonna so yahan pe ye daud kar yahan par ruk gaye the hamari bike ke liye. ब्राउन बिल्डिंग दिख रही है ना, वो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है ग्रैंड पार्क। तो ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर रह गया, ट्रैफिक जाम देखो, और ये भी इतना ज़्यादा
पीछे पूरा जाम है, पुलिस है साथ साथ। ये तो बहुत दूर तक फिर भी की टीचर्स दिख रहे हैं कहाँ है? 1 किलोमीटर रह गया ऑलमोस्ट, मैं बोर्ड ही ढूंढ रही हूँ कि कहाँ पर हो 1 किलोमीटर वाला। फाइनली जहाँ से शुरू किया था वहीं पर आ गए। बिलीव नहीं हो रहा है 10 किलोमीटर मिलने में मेरे को तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरी तो होप ही नहीं थी। सुबह ही डिसाइड हुआ था कि लेट्स डू इट, इन्होंने बोला दोनों ने। बोल रहे लास्ट 500 मीटर्स रह गया उसमें दौड़ते। एग्जैक्टली यहीं से शुरू हुई थी हमारी मैराथन। हाँ, एक्सपीरियंस में इट गुड, टायरिंग या ऑफकोर्स, फर्स्ट टाइम किया इतना लंबा, पर अच्छा लगा। मेरे बोल रहे नेक्स्ट टाइम 21 करें। इतना ज़्यादा क्राउड है, तो फाइनली हमें मेडल मिल गया, 10 किलोमीटर कंप्लीट हो गया। कैसा लग रहा है? अगले साल भी आएंगे। पर ड्रिंक्स फ्रूट्स सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, लोग आके खा पी रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं। रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स देखो, आंटी कह रहे 21 किलोमीटर करेंगे। That's the spirit. Finally did it. We're gonna be two hearts running wild. ये जो छोटे छोटे आप देख रहे हो ना वॉशरूम्स हैं, मतलब टॉयलेट्स बनाए हुए हैं, प्रोवाइड किए हुए हैं। यहाँ पर कॉफीज वगैरह सब कुछ, खाने पीने का फुल ऑन सब कुछ है, और लोग अभी भी आ रहे हैं चल चल कर। पहले यही वाली रेस, ये भी अभी यही कह रहे हैं, हम विंडो से देखा करते थे अपने घर, और आज हमने पूरा कर लिया। अंकल आंटी ने एनकरेज किया, सही बात, और नहीं तो वो भी आए और उन्होंने भी अच्छे से किया, और सब ने मिलकर बहुत मजा आया। नहीं तो हम लोग हिम्मत ही नहीं कर पाते 10 किलोमीटर। फाइनल रिजल्ट, यस, फॉर एवरीवन, फॉर एनकरेजमेंट, यस। तो अभी वहाँ पर पार्टी शार्टी चल रही है, फुल ऑन म्यूजिक अभी चलेगा, 11-12 बजे तक सब कुछ फिनिश होगा, धीरे धीरे लोग निकलेंगे। हाँ। अभी बाहर ट्रैफिक है, पूरा कंट्रोल्ड में है, बट आप इजीली नहीं निकल सकते, पर ये है कि एक मजा आया, फन आया, बहुत अच्छा लगा सबको। सबसे बेस्ट था निर्भय ने भी कॉन्ट्रीब्यूट किया अपना, और पूरा 10 किलोमीटर 10 इयर्स का निर्भय है और 10 इयर्स किलोमीटर भागा है। वो कह रहे हैं नेक्स्ट टाइम 21 किलोमीटर जाएंगे, 21, पर मैंने तो, मेरे लिए तो 10 किलोमीटर भी बहुत है। करेक्ट। तो बस आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि बस सभी घर जाकर फ्रेशन अप होकर ब्रेकफास्ट वगैरह वो सब करेंगे, बट अभी थोड़ा सा यहीं पे पूर्ण विराम देते हैं। आपको अच्छा लगा होगा आज का ब्लॉग देखकर, और इसी तरह जुड़े रहें, और हम साथ आपको ऐसी चीजें दिखाते रहेंगे बोत्सवाना में क्या क्या हो रहा है। और ये एक अमेजिंग था हमारे लिए, क्योंकि काफी टाइम हम देखते आए, बट इतने सालों से ही देख रहे हैं, बट आज हमने फर्स्ट टाइम कंट्रीब्यूट कर ही दिया। थैंक यू टू आंटी अंकल जिन्होंने हमें एनकरेज किया। तो चलिए टाटा बाय बाय, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।